मेट्री uh, really, में इफ यू विल सी तो उसमें दिया था इन आइडियली क्लोज हेक्सागोनल पैकिंग सेवन लेयर्स ऑफ वन पॉइंट टू तो अप्रॉक्सीमेट काउंट इन एनी ऑफ दिकालना है तो यहाँ पे क्या एक फाइबर का दिया हुआ है और अगर आपको फिर कहा गया आप यार काउंट बताइए तो आपको नंबर ऑफ फाइबर्स पता होने चाहिए तो यहाँ पे यार जेमेट्री में एक फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एन इज़ इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस वन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ लेयर्स यूज्ड तो अगर आप एन को कैलकुलेट करोगे तो एन यू विल कैलकुलेट तो यहाँ पे एन आ जाएगा वन ट्वेंटी सेवन मीन्स वन ट्वेंटी सेवन फाइबर्स आर देयर इन टोटल दिस और एक का एक का आपको काउंट पता है एक का काउंट कितना है वन पॉइंट टू डेसीटेक्स तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वन पॉइंट टू डेसीटेक्स एक फाइबर का है और नंबर ऑफ़ फाइबर्स आपके वन ट्वेंटी सेवन है तो टोटल टोटल फाइबर का आपका कितना काउंट हो जाएगा काउंट ऑफ टोटल फाइबर्स इज और means 1.2 पॉइंट टू डेसी टेक्स मीन्स जीरो पॉइंट मीन्स डिड बाई टू डेसी टेक्स टू टेक्स डिवाइडेड बाई टेन तो इट इज जीरो पॉइंट टेक्स में करना हमारे लिए सही रहेगा तो हम लोग टेक्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीरो पॉइंट इंटू वन टू सेवन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो फिफ्टीन पॉइंट टू फोर टैक्स हो गया फिफ्टीन पॉइंट टू फोर फिफ्टीन पॉइंट टू फोर टैक्स है अब आपका ये टोटल आपको फाइबर्स पता चल गए कि टोटल फाइबर्स का आपका काउंट ये है और आपको एनी में कन्वर्ट करना है तो वी हैव रेड द फॉर्मूला टू कन्वर्ट इन टू एनी टेक्स टू एनी करना है बट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो वी हैव रेड तो फ्रॉम एनी टू टेक्स द फॉर्मूला इज एनी इज़ इक्वल टू फाइव नाइनटी पॉइंट फाइव अपॉन टैक्स तो एनी इज इक्वल टू फाइव नाइन फाइव जीरो पॉइंट फाइव अपॉन टैक्स फिफ्टीन पॉइंट टू फोर तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा थर्टी नाइन तो ये चीज़ें थोड़ा सा जरूरी हैं कि हाउ वे विल बी डूइंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो इस तरह से ये करे जाते हैं जस्ट आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन कि इसमें वन क्वेश्चन इट सेज दैट इट सेज दैट पॉलिस्टर मल्टीफ़िलामेंट यार्न इज ट्विस्टेड और आपको यार्न का डेनियर दिया हुआ है यार्न का डेनियर दिया हुआ है वन जीरो एट वन जीरो एट डेनियर आपको दिया हुआ है दूसरा आपको दूसरा आपको यार्न का डाया दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द यार्न इज गिवन एज वन माइक्रोमीटर और यू नीड टू फाइंड वॉट पैकिंग कोफिशियंट आपको निकालना है तो डायमीटर से पैकिंग कोफिशेंट निकालने के लिए हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि पैकिंग कोफिशियंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं तो वाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग कोफिशेंट पैकिंग कोफ़िशियंट बेसिकली होता क्या है रो वाई अपॉन रो एफ रो वाई इज़ बेसिकली कि डेंसिटी ऑफ द यार्न और रो एफ इज़ डेंसिटी ऑफ द फाइबर तो डेंसिटी ऑफ यार्न आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है डेंसिटी डेंसिटी ऑफ़ ऑफ़ नहीं दिया हुआ है और फाइबर आपको पता पता होना होना चाहिए चाहिए? क्यों क्यों मल्टीफिलामेंट क्यों फिल्म की बात करी जा रही है तो पॉलिस्टर फाइबर है तो आपको रो एफ इसका पता होना चाहिए इट इज वन पॉइंट थ्री एट ये डेंसिटी ऑफ द फाइबर पॉलिस्टर की होती है बट डेंसिटी ऑफ दर्न आपको निकालना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ द यार्न और डायमीटर में एक रिलेशन होता है वी हैव रेड यस्टरडे और वी हैव रेड वन थिंग कि कैसे डायमीटर से निकालते हैं तो आपको रो वाई निकालना है अच्छा डेनियर दिया हुआ है तो आपने डायमीटर का एक फॉर्मूला पढ़ा है थ्री पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू अंडर रूट अंडर रूट टेक्स अपॉन रो वाई इंटू टेक्स अपॉन रो वाई रो वाई इज डेंसिटी ऑफ तरह से हम लोग यहाँ निकालेंगे से रो वाई अब यहाँ आपको टेक्स निकालना है टैक्स तो तो कैसे निकालते हैं कम आउट टू बी ट्वेल्व ये आपका ट्वेल्व आ जाएगा तब आप डायमीटर देखोगे और डायमीटर यहाँ पे जो होता है वो आप सेंटीमीटर में रखोगे क्योंकि इस फार्मूले में ये डायमीटर जो निकलता है ये सेंटीमीटर में होता है तो आपको सेंटीमीटर में चीज़ों को करना पड़ेगा और डायमीटर को आप इसको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर दिया है माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस मीटर और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो टेन की पावर टू सेंटीमीटर तो इट विल कम आउट टू बी वन ट्वेंटी इंटू टेन की पावर माइनस फोर सेंटीमीटर दिस इज द यूनिट वी नीड टू सी और वन मोर थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि वॉट इज द ट्रिक बिहाइंड ऑल दिज न्यूमेरिकल क्वेश्चन द प्ले इज ऑफ द यूनिट्स यू नीड टू फोकस ऑन द यूनिट्स वेरी केयरफुली क्योंकि यूनिट्स का ही सारा खेल होता है और यूनिट्स में ऐसे प्ले करते हैं कि वो आपके आंसर गलत हो जाते हैं द क्वेश्चन आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट वी नीड टू फोकस ऑन द यूनिट्स तो आपका टैक्स निकल आया और डायमीटर आप निकालोगे तो डायमीटर आ गया वन ट्वेंटी इंटू टेन की पावर माइनस फोर सेंटीमीटर और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे कौन से इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो इसमें ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी इंटू टेन की पावर माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू अंडर रूट टेक्स आपको दिया हुआ है ट्वेल्व अपॉन रो वाई तो यहाँ से आप रो वाई कैलकुलेट कर लोगे जब आप कैलकुलेट करोगे सिंस यू हैव द कैलकुलेटर एज वेल आई थिंक इट इज अलाउड तो यह अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू वन पॉइंट जीरो सिक्स टू ये आपकी डेंसिटी ऑफ द यार ना गया अब आपको पैकिंग कोफिशियंट निकालना है तो पैकिंग कोफिशियंट इज़ इक्वल टू रो वाई अपॉन रो एफ तो ये आपका आ जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स टू अपॉन वन पॉइंट थ्री एट आंसर विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट सेवन सेवन अगर परसेंटेज में पूछता है कि कितने परसेंट है तो सेवेंटी सेवन परसेंट इज पैक्ड सेवेंटी सेवन परसेंट पैक्ड है और ट्वेंटी थ्री परसेंट ओपन है अगर आपको पोरोसिटी पूछ ले यहाँ पे तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वन माइनस पैकिंग कोफिशेंट तो वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन मीन्स जीरो पॉइंट टू थ्री आपकी पोरोसिटी आ जाएगी पोरोसिटी बेसिकली होता है ओपननेस ओपननेस कितना चीज़ें ओपन है वो चीज़ आप पोरोसिटी में डिफाइन करते हो Or uh, uh, this is how these uh, things are uh, done.